नगरीय निकाय चुनाव का शोर बस कुछ ही घंटे बचा हुआ है। ऐसे में इंदौर की पॉलिटिक्स में अचानक से गर्माहट आ गई। पहले सिंधिया, अब बीडी शर्मा ने भाजपा के लिए मैदान पकड़ लिया है। रविवार शाम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा इंदौर पहुंचे। मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज बड़ी संख्या में नौजवान साथी भगत सिंह को साक्षी मानकर मैदान में उतरे हैं। वे बोले, दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में मध्य प्रदेश बीमारू का राज्य था। भाजपा सरकार और सीएम शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों से ये राज्य बीमारू राज्य से विकसित राज्य बना। वे बोले कि आज हम इस प्रयास में हैं कि पूरे देश में मध्य प्रदेश राज्य संपन्न, समृद्ध और सक्षम बने। हमें गर्व है कि हम इसका प्रयास कर रहे हैं। बीडी शर्मा ने कहा कि मैं लगातार मध्य प्रदेश में दौरे कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर 16 के 16 नगर निगम केवल जीतेंगे नहीं बल्कि ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेंगे। इतना ही नहीं, 76 नगर पालिका, 255 नगर पंचायत भी हम ही जीतेंगे। वे बोले कि कमलनाथ को तो नंबर भी पता नहीं होगा कि कहां कहां चुनाव हो रहे हैं। इंदौर के बाद बीडी शर्मा सबसे पहले भाजपा दफ्तर पहुंचे, यहाँ नेताओं से मिले। इसके बाद वे राजमहल्ला की ओर रवाना हो गए। यहाँ से वे बाइक से रोड शो करते हुए भाजपा के मेयर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव के लिए वोट मांगने निकले। बीडी शर्मा का रोड शो मालगंज से आगे बढ़ा है। वे रैली के माध्यम से बंबई बाजार से गुरुद्वारा होते हुए राजबाड़ा पहुंचेंगे, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शर्मा मां अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है, राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।